नमस्कार, रूस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चुनाव सर पर हैं, सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं चुनाव के, और जो जुमलों का बाजार है वो एकदम गर्म हो चुका है। हर राजनेता अपनी एक नई तरकीब लेके आता है, एक नया जुमला लेके आता है, जिसमें सर्वप्रथम पहुंच चुके हैं हमारे प्रिय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने एक नया जुमला हिंदुस्तान के लोगों को पकड़ा दिया है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं उठाया हुआ, और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। इसका मतलब मिनिमम इनकम गारंटी, मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कम से कम न्यूनतम आमदनी हिंदुस्तान की सरकार देने जा रही है। मतलब हिंदुस्तान में ना कोई भूखा रहेगा ना कोई गरीब रहेगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो जुमला है वो आपको समझना पड़ेगा कुछ इस तरह से। राहुल गांधी के अनुसार जितने भी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको एक न्यूनतम तनख्वाह या फिर न्यूनतम पैसा जो है दिया जाएगा, जो कि उनके सीधे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये सुनते ही बीजेपी के खेमे में एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि बीजेपी का खेमा यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तैयारी में जुटा हुआ था। सुना ये जा रहा था कि मोदी साहब कभी भी इसकी घोषणा कर देंगे। आप राहुल साहब को इस तरफ रखें और मोदी साहब को इस तरफ रखें। राहुल साहब का ये कहना है कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं हम उनको पैसा देंगे, और जो मोदी साहब हैं वो ये कहते हैं जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, उनको एक फिक्स्ड इनकम जो है उनके अकाउंट तक पहुंचा दी जाएगी। ये दोनों ही राजनेता ऐसे हैं जिन्होंने ये नहीं सोचा कि ये पैसा आएगा कहां से, कैसे आएगा और किस तरह से बांटा जाएगा, ना ही इन लोगों ने कुछ कहा। लेकिन चुनावी माहौल है जो गर्म है, जुमला देना है, सपने बेचने हैं, और जिस तरह से सालों से ये लोग सपने बेचते आ रहे हैं, आज एक नया सपना आपको बेच दिया गया। ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमें एक जुमला दिया था जब वो सरकार बनाने वाले थे, यानी पिछला जो चुनाव था उसमें। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए, इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है, ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। जो आज तक नहीं आए हैं, जुमला था, जुमले में चला गया। जो पिछली बातें हैं, जो पिछले वायदे हैं, ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनको भूल जाती हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी की दादी थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी एक जुमला दिया था गरीबी हटाओ। जो गरीबी हटाने वाली बात थी वो आज उनके गुजरे 40 साल के बाद भी गरीबी हटी नहीं है। ऐसे जुमले पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। चलिए खैर वापस आते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम आखिर है क्या। यूनिवर्सल बेसिक इनकम को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला ये जो कि जितने भी देश में लोग हैं उन सबको पैसा दिया जाएगा बिना किसी कंडीशन के। दूसरा तरीका ये है कि एक टारगेटेड जो तदबा होता है, यानी एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि इन लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम में रखा जाएगा और उन तक पैसा पहुंचाया जाएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम अनकंडीशनल में ये होता है कि आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी आय है या फिर नहीं, आपके पास नौकरी है या फिर नहीं, लेकिन आपको पैसा दे दिया जाएगा। जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है, जो पूरी आबादी है, उसका 29.9% ऐसा हिस्सा है जो कि गरीबी रेखा से नीचे है। राहुल गांधी के अनुसार ये कहा गया था कि जो भी गरीब लोग हैं उन सबको ये पैसा पहुंचाया जाएगा। और दूसरी तरफ जो मोदी साहब हैं उनका ये कहना था कि जितना भी हिंदुस्तान में आदमी है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, उसके बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचाया जाएगा। अगर हम मोदी साहब के प्लान को लेकर चलते हैं,
1180 रुपए के हिसाब से, जो कि 2017 और 2018 की जो ग्रोथ रेट थी उसको मद्देनजर रख के हमने ये रकम निकाली है। 1180 रुपए अगर प्रति व्यक्ति के अकाउंट पे जाता है तो इसकी जो कुल वैल्यू होती है, कुल जो कीमत होती है, वो होती है 19 लाख करोड़ रुपए प्रति महीना। यानी जो हमारे पास जो टैक्स कलेक्ट होता है उससे भी 50% ज़्यादा ये अमाउंट है। यानी ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये चलेगा नहीं, ये फेल हो जाएगा। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी हैं वो ये कहते हैं कि साहब जो गरीबी रेखा से लोग नीचे हैं हम उनको पैसा दे देंगे। आखिर आप कितना पैसा देंगे वो भी आप देख लें। 35,400 करोड़ रुपए साहब तो यही बनते हैं, यानी हर महीने 35,400 करोड़ रुपए। साल के आप गिन के देख लें, कैलकुलेटर उठा के बैठ जाएं। आखिर इन दोनों को ये हक दिया किसने कि आप हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान की जनता का पैसा इस तरह से बांटने का वायदा कर दें, और वो ऐसा वायदा जिसके चलते आप इलेक्शन जीतने की कोशिश करें। कैश फॉर वोट की तो बात आपने सुनी होगी, हर बार दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लांछन लगाती हैं कि पैसा दिया तब जाके आपको वोट मिला। क्या आपको ये नहीं समझ में आता है, ये भी कैश फॉर वोट की ही बात है। यानी आप ऐसा जुमला दे रहे हैं कि आपके अकाउंट में हम पैसा दे देंगे अगर आपने हमें जिताया। ये दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, दोनों ही बड़ी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो दो बड़ी सरकारें हैं, एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी है, दोनों ही इन तमाम मुद्दों पे नहीं बात करते हैं। ना रोज़गार पर हम बात करेंगे, ना प्रगति पर हम बात करेंगे, ना मेडिकल के क्षेत्र पे हम बात करेंगे, ना ही रहन सहन पर बात करेंगे, ना एजुकेशन के स्तर पर बात करेंगे। हम किसी भी चीज़ पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको लुभावने सपने बेचेंगे। और जो ऐसे सपने हैं जिसका जो भार है वो हमारे ऊपर आता है, हमारी जनता के ऊपर आता है, यानी कि जितने भी लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उन सब के सर पर आता है। जो ये तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपसे और हमसे कई ऐसी चीज़ें छुपाती हैं, कई ऐसी चीज़ें झूठ बोलती हैं जिससे आपका और राजनीतिक पार्टियों का सीधा संबंध होता ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब भी कभी आप वोट देने जाते हैं तब आप कभी भी अपने क्षेत्र में खड़े होने वाले MP या फिर MLA को वोट नहीं देते हैं, क्योंकि ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं ये किसी एक चेहरे के दम पर इलेक्शन लड़ती हैं। यानी अब का अगर आप इलेक्शन देखें तो एक तरफ है मोदी साहब और दूसरी तरफ है राहुल गांधी साहब। कांग्रेस राहुल के चेहरे के भरोसे इलेक्शन जीतना चाहती है, और जो BJP है वो मोदी साहब के भरोसे एक बार और इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रही है। और ये आज नहीं, पिछले 74 सालों से ऐसा ही हिंदुस्तान में हो रहा है। हम जनता भी उन लोगों से ये सवाल नहीं करते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ आए हैं वोट मांगने के लिए तो आप हमें पहले ये समझाइए कि आखिर आपने पिछली सरकार में हमारे क्षेत्र में किया क्या। जिस दिन हिंदुस्तान की जनता जाग जाएगी, जिस दिन हिंदुस्तान की जनता अपने क्षेत्र में खड़े होने वाले व्यक्ति के चेहरे को देखकर वोट देखना सीख लेगी, उस दिन हिंदुस्तान की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता है। कृपया करके राहुल और मोदी जी के चेहरे के पीछे जो चेहरे हैं, जो हकीकत में आपके क्षेत्र में काम करेंगे, जो हकीकत में आपके क्षेत्र में खड़े हैं, जिनके साथ आप संपर्क साध सकते हैं, जिनके साथ आप मिल सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम समझा सकते हैं, अगर आपने उनको सही नहीं चुना तो ये राजनेता इसी तरह से हमें लुभावने सपने बेचते रहेंगे, जिनका भार आपके और हमारे जेब से ही लिया जाएगा और हम ही को लौटा दिया जाएगा। ये आपके हाथ में है कि आप अपना MP अपना MLA सही चुने, ताकि हमारी जो देश की भागदौड़ है वो सही व्यक्तियों के हाथ में जाए, और जो इसकी रफ्तार 74 सालों से थमी हुई है वो और तेज़ रफ्तार से भागे। जुमले और सपने राजनेताओं के तौर तरीके हैं कि वो आप पर रूल करें, जैसे अंग्रेज़ों ने आपके साथ किया था वो ये लोग कर रहे हैं। कृपया करके सही इंसान चुने, जो आने वाला इलेक्शन है उसमें एक सही राजनीतिक पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान को चला सके, ऐसे लोग हों, ताकि हम सभी को इन जुमलों से निजात मिल सके, और जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनको कर माफ़ी के लिए भीख न मांगना पड़े, उनको इतनी आमदनी हो जाए, उनकी इतना उनको रोज़गार मिले कि वो अपना और अपने परिवार का पेट आराम से भर सकें। और इसी कामना के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। बने रहें हमारे साथ रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।